नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। पिछले सप्ताह 21 मार्च को कुछ अज्ञात लोगों ने वीरभूम जिले के रामपुर हाट में 10 घरों में आग लगाकर 8 लोगों की हत्या कर दी थी। इस मामले में संज्ञान लेते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। अब इसी मामले की जाँच में जुटी सीबीआई ने किस लोगों को आरोपी बनाया। सीबीआई की 30 सदस्य टीम पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के रामपुर हाट पहुंच गई थी और उसने वहां पर हिंसा की जांच शुरू कर दी थी। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते हुई हिंसा में 10 घरों को आग लगा दी गई थी, जिसमें से महिलाओं और बच्चों समेत कुछ 8 लोगों की मौत हो गई थी। पिछले कुछ सालों में फ्रॉड के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में तमाम बैंक फ्रॉड को रोकने के लिए तरह तरह के कदम उठा रहे हैं। बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक चेक पेमेंट के नियमों को बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब पीएनबी 4 अप्रैल से पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने जा रहा है। कस्टमर्स को चेक पे करने से पहले वेरिफिकेशन करना जरूरी होगा। वेरिफिकेशन ना होने की स्थिति में अब बैंक चेक को वापस कर देगा। बैंक ने यह फैसला बढ़ते फ्रॉड के मामलों को देखते हुए लिया है। जबलपुर में भूमाफिया और गुंडों के खिलाफ इन दिनों विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उनकी बेनामी और गलत तरीके से कब्जा की गई संपत्तियों को प्रशासन का अमला निशाना बना रहा है। प्रशासन का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इसी कड़ी में आधारताल क्षेत्र के सुभाष नगर भड़पुरा में कार्रवाई की गई। बता दें कि शातिर अपराधी गोलू उर्फ जितेंद्र यादव के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाकर करीब 30 लाख की सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई। बता दें कि कलेक्ट्रेट को निर्देश के बाद ये कार्रवाई की गई है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां बीती रात एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की जान चली गई और 45 लोग घायल हो गए हैं। तिरुपति के पुलिस अधीक्षक के अनुसार दुर्घटना का कारण चालक की लापरवाही माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना उस समय हुई जब तिरुपति से 25 किलोमीटर दूर बाकरापेटा में चालक की लापरवाही के कारण बस चट्टान से नीचे गिर गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। विधान परिषद के चुनावों को देखते हुए अमेठी के सदन परिसर में बीजेपी की तरफ से विधानसभा के 423 ग्राम प्रधान बीडीसी और डीडीसी सदस्यों के साथ बैठक की गई। इस बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय सिंह, पूर्व मंत्री डॉक्टर अमिता सिंह ने सुल्तानपुर अमेठी से बीजेपी के एमएलसी प्रत्याशी शरण प्रताप सिंह के पक्ष में मतदान कर उन्हें विजय बनाने की अपील की है। मुजफ्फरनगर में काली नदी के पास एसडीएम सदर की तरफ से कब्जा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। किसानों द्वारा अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करके खेती करने को लेकर एसडीएम ने नोटिस जारी कर दिया है। एसडीएम का कहना है कि किसानों की तरफ से 5 हेक्टेयर भूमि पर खेती की जा रही है। किसानों को पहले भी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों ने जमीन नहीं खाली की। वहीं अब इसको लेकर भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने एसडीएम सदर का जमकर विरोध किया है। 5 हेक्टेयर भूमि है जो नदी और ग्राम समाज की भूमि है, जिसको पूर्व में भी 2006 से मामला चल रहा है, जैसा कि अभी लोगों ने अवगत कराया। और ये नदी की भूमि है, इस पर वृक्षारोपण करने की योजना है। इसी क्रम में हम आए थे यहाँ पर। जिन लोगों ने अवैध रूप से काबिज किया था, इनको सुबह से ही हम लोग लग रहे हैं और 864 गड्ढे खोदे जा चुके थे आधे घंटे पहले तक, और बाकी हमने जो है 218 पिलर हमने गड़वा दिए हैं। अभी कुछ लोगों ने यह बताया कि इसमें हमारी ज़मीन नदी की चली गई है, यह विरोध है। और नदी और चूँकि नदी में हमारी भूमि चली गई है, हम नदी की ज़मीन जोत रहे हैं, इस पर गौर कर लिया जाए तो। और चकबंदी न्यायालय का कोई स्थगन भी आदेश पारित है। जो प्रशासन हमारे पर कार्रवाई इस तरीके कर रहा है, 4-5 दिन पहले आए थे, इन्होंने कहा भाई जमीन हटाओ। मैंने कहा इसमें स्टे है चकबंदी विभाग से, हमने नकल दे दी। इन्होंने कोई हमारी सुनवाई नहीं करी, आग अपना पिलर गाड़ने शुरू कर दी। नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया हमें। है जी, जमीन तो साहब ऐसी है जी, करीब 20-25 बीघे और किसान है करीबन 30-40, करीब 5 बीघे, करीब
नहीं, किसान अवैध रूप से बोलो, किसानों की भी तो नदी ने तोड़ रखी। यहाँ पे मामला ये है जी, देखो वर्षों पहले नदी प्रशासन के अनुसार यहाँ पे बहती थी, प्रशासन के अनुसार। अब नदी बह रही यहाँ से करीब 1 किलोमीटर पूर्व में, तो यहाँ पे पहले से ही किसान अपनी खेती कर रहे और काबिज हैं 40-50 वर्षों से। जब कभी प्रशासन ने कभी आगे नहीं कहा ये नदी का रकबा है या यहाँ वो है कुछ है, अब आके फसलों को उजाड़ रहे बिना किसी नोटिस के, स्टे भी है और चकबंदी से विभाग से स्टे है इस पर, उसके बावजूद आके यहाँ पे किसानों की फसल को उजाड़ रहे। सिविल मुकदमा भी है दिया नहीं, बहुत दिंगा मस्ती प्रशासन। डांडी गांव में एक बार फिर बदमाशों ने खुलेआम लूट की घटना को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे दी है। दरअसल बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर सेल्समैन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और पैसों से भरा बैग लूटकर मौके से फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना पर एएसपी सहित भारी पुलिस फोर्स ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी। यहाँ पर सर लूट हुई है सर। किस तरह से लूट हुई है, कौन है, क्या मामला? यहाँ पर 3 बाइक अपाचे से आए थे और एक यहाँ पर सर लड़के तेल डाल रहे थे, उनसे ऑफिस में घुसकर लूटपाट वगैरह की। किस चीज़ से आए और कितने लोग थे? सर 3 लोग थे, अपाचे बाइक से आए थे। अच्छा, किस तरह की अपाचे वगैरह रही? वाइट कलर की अपाचे थी सर। अच्छा, जहाँ घटना घटी 5:30 बजे के बाद में 3 लड़के आए, उनके पास में 315 असला था और चाकू था। पेट्रोल डालने वाले लड़कों के कंधे में बैग था पैसे का, उन्होंने पैसा छीनना चाहा और जब उसने नहीं दिया तो उसके ऊपर अड्डा रखा और रखने के बाद भी उसने चाकू मारा, एक के सर पे लगा और एक के पेट में लगा, तो वो पैसा लेकर के भाग गए और उन दोनों लड़कों को घायल सरकारी अस्पताल में जानाबाद में पड़े। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में बीजेपी नेता पूर्व नगर महामंत्री गौरव कटियार का होटल है। आरोप है कि उनके होटल पर कुछ लोग एक ठेली वाले से रंगदारी ले रहे हैं। गौरव ने इसका विरोध किया तो आरोपी हमलावर हो गए और होटल का सामान सड़क पर फेंक दिया, गौरव पर हमला कर दिया। गौरव गंभीर रूप से घायल हो गया। वही घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ लिया है। वही बीजेपी नेता के होटल पर बीजेपी नेता के साथ हुई घटना की सूचना मिलने पर मंडल महामंत्री शिवम दुबे, बीजेपी नेता गुंजन अग्नियोत्री, दीपक दुबे समेत कई लोग मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। भोलेपुर में एक लड़का है कुलदीप, वाल्टनी का रहने वाला, वो पापड़ी का ठेला लगाता था भोलेपुर में, कई वर्ष से लगा रहा, गरीब आदमी, रोज कमाने कमाने वाला। तो बगल में उसकी दुकान पर अनिल गुप्ता जग्गू है, वो अनावश्यक रूप से उसे परेशान करे, उसकी दुकान हटवा दी। तो उसने मुझसे बोला, मैं पहुंचा था, कहाँ दुकान है इसकी? भोलेपुर क्रॉसिंग फुटपाथ पे लगा। हमने कहा गरीब आदमी, उसकी मदद करो यार, उसको तुम्हारा तो पक्का काम चल ही रहा। इसी रंजिश में वो शाम को 30-35 लोग आए, बोले ये हम, वो हमको 200 रुपए देगा तो हम नहीं कहेगा, तो ये सब कह के मार्केट में। मेरठ के भगत सिंह मार्केट में कॉस्मेटिक की शॉप से एक शख्स ने बड़ी चालाकी से पैसे चोरी कर लिए, लेकिन पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब दुकान मालिक ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की है। वहीं पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपी की तलाश में जुट गई है। 23 तारीख की रात 10 बजे करीब पिताजी बैठे थे दुकान पर, मैं किसी काम से बाहर गया था तो अकेले थे पिताजी उस टाइम पे, दुकान के लड़के भी मौजूद नहीं थे। तो 2 शख्स आए तो उस शख्स सामान लेने लगे, उन्होंने पिताजी को इतना बिजी कर दिया सामान में और सामने हड़के खड़े हो गए जिससे उनकी नज़र गले पे की तरफ ना जाए। उस टाइम पर कोई तीसरा शख्स आता है, उनका यही साथी जो चुपचाप से आके गले में से पैसे निकाले जाता है। अच्छा, कितनी रकम थी? 42,000 रुपये की रकम थी जो कि कल पेमेंट के लिए दी जानी थी। अच्छा, सीसीटी कैमरे लग रहा है, उसमें कैद हो गया वो? हाँ जी, हाँ जी, हर एंगल से कैद है। वो तीनों शख्स भी और उनकी स्कूटी भी, उनका नंबर भी और उस शख्स की फोटो भी। थाना कौन सा लगता है यहाँ पे? थाना जी कोतवाली। पुलिस ने कोई कार्रवाई करी अब तक? पुलिस ने अभी तो कोई कार्रवाई नहीं करी, अभी कोई हमें कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई बारे में। उनकी संज्ञान है, मैंने तहरीर भी दे दी, अभी तक मुझे तहरीर की कॉपी भी नहीं मिली। और यहाँ रुक रहे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। At GLA University, we make the way.
We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. अगर आप हैं किडनी जैसे गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराए नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डटकर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं। वेदांता एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान जहाँ होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहाँ सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता आईएएस एकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र आईएएस जैसी एग्जाम की तैयारी या पीसीएस जैसी एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे यूपी और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। My name is Himani Pathak and I qualified PCS, UK PCS 2012 and I am currently serving as Assistant Commissioner for Cane and Sugar Department and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for their venture Vedanta. And I just Good afternoon everyone, my name is Shivani Tripathi. I am posted as Assistant Commissioner State Tax with Government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की? आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार. Vedanta, an exclusive IAS Institute of Dehradun, Uttarakhand. 11A Nimbuwala, opposite RIMC Main Gate, Garhi Cat, Dehradun. Mobile number 9319700579। जौनपुर के नगर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी जिसमें पुलिस के बुलेट प्रूफ जैकेट में 4 गोली लग गई। वहीं पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसमें 2 बदमाशों को गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों घायल बदमाशों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं पुलिस ने बदमाशों के पास एक पिस्टल, 3 देसी तमंचे, भारी मात्रा में कारतूस, मोबाइल और नकदी बरामद की है। कन्नौज में नकली शराब के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया है जिसके तहत इंदरगंज थाना पुलिस ने नकली शराब बनाने की सूचना पर एक गांव में छापा मारा। इस दौरान शराब माफिया मौके से फरार हो गए। पुलिस टीम जब खेत में पहुंची तो वहां भट्टियों पर नकली शराब बन रही थी। पुलिस ने मौके पर भारी मात्रा में नकली शराब और शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। अमेठी के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के थोरी गांव में प्रेमिका के घर के सामने प्रेमी का शव पड़ा मिला। वहीं शव के हाथ पैर बंधे पाए गए हैं जिसके बाद मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को घटना की सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच पड़ताल शुरू की। साहब के बलाए के अपने दरवाजे पर हाथ गोड़ बांध के लड़का का खत्म कर दी, हाथ गोड़ तोड़ देती, थाने में बंद करा देती।
10 साल बंद रहते हैं, छोड़ा जाए जी उसे मरवा दे। आपके लड़के की जो हत्या हुई है किसके द्वारा मारा गया है? मंजू के द्वारा मारा है। ये मंजू कौन है? मंजू कोरी नहीं है। तो ऐसा क्या था कि जो आपके लड़के को मरवा दिया गया? अब कमाही खात रही, जात रहे, आवत रहे। कोई पुराना विवाद था क्या? ना ही कोनो विवाद नहीं रहा, कुछ नहीं, वही लड़की चक्कर रहा, वही मरवा दी। मेरा भाई लखनऊ में रह रहा था, 2 महीना पहले मंजू ने उसको बुलाया, 2 दिन पहले उनके बुलाने पे ही ये गांव आता था। क्या ये जो मंजू है आप ही इन्हीं के गांव से हैं? हाँ, ये भी थौरी की है और यहाँ मायके में रहती हैं। मेरे भाई से बुला के इनसे उनका चक्कर चल रहा था, सब लोग बहुत समझाए कि भैया उनसे मत लगो, ऐसी गलत लड़की अपने देश को डरवा रही थी, तब से यहाँ रहने लगी। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर कोतवाल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तार चोरी के मामले में वांछित चल रहे 25,000 के एक इनामी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं एक आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आज दिनांक 26/3/2022 को मुखबिर की सूचना पर गढ़ पुलिस व SOG टीम द्वारा पूर्व से वांछित व 25,000 की इनामिया बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें एक अभियुक्त चांद पुत्र इस्लामुद्दीन के पैर पर गोली लगी व एक बदमाश भागने में सफल रहा। घायल बदमाश को हॉस्पिटल भेजा गया। मौके से एक तमंचा, 2 खोखा व 2 जिंदा कारतूस व बिना नंबर प्लेट की गाड़ी मोटरसाइकिल गए। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कन्नौज की तिरवा कोतवाली के मेस में कुक की तरफ से दूध विक्रेता से मुफ्त दूध लेने का मामला सामने आया है। आरोप है कि मेस में काम करने वाला कुक रोजाना दूध विक्रेता से फ्री में दूध ले जाता था। परेशान दूध विक्रेता ने इस बार कुक की तरफ से दूध की वसूली करने का वीडियो बना लिया। इसी के साथ ही पीड़ित ने कुक के खिलाफ FIR दर्ज कराई है और मामले में कार्रवाई की मांग की है। ऐसा हो गया है कि ताकि हमारे गांव के एक लोग यहां पे मेस में काम करते हैं। कहां पर? इसी तिरवा कोतवाली में। हाँ हाँ। तो उन्होंने क्या किया कि हम लोगों को मेरे घर पे थोड़ा प्रॉब्लम के कारण, लड़ाई दंगिया रंजेश के कारण, वो क्या करते हैं कंटिन्यू हमारे पास यहां पे आने के बाद, यहां पे हमें उस दिन करीबन 19 तारीख की घटना थी, 19 तारीख को जब हमारा थाने में सुलझाना हो गया, मतलब निपटारा हो गया, उसके बाद यहाँ पे आके उन्होंने मेरी गाड़ी को रोका। वहाँ पे गाड़ी रोकने के बाद जब वहाँ पे उस लड़के ने, मैंने नहीं रोकी, तो आगे आके वो प्लांट पे दूध भी लिया और हमारी गाड़ी का नंबर लेके ये बोल रहे हैं कि अगर ये नहीं हमारे दूध दिया तो हम में इनको ना गाड़ी चलाने देंगे ना कुछ करने देंगे। पीलीभीत से बरेली जा रही ट्रेन में सुरक्षा के लिए तैनात GRPF के 2 सिपाहियों की सैथल स्टेशन पर कुछ लोगों ने पिटाई की और पिस्टल लूटने की कोशिश की। घटना के बाद लखनऊ से आए CO ने पूरे मामले की जांच की। 24 मार्च की रात हुई घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इसमें सिपाहियों ने 2 लोगों को नामजद करते हुए कई अज्ञात लोगों का घटना में शामिल होना बताया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। चंदौली के जिला मुख्यालय पर ट्रक का टायर फटने से भीषण आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। हादसे में ड्राइवर और क्लीनर बार बार बच गए। आपको बता दें कि चंदौली के जिला मुख्यालय के नेशनल हाईवे 2 पर वाराणसी की तरफ से आ रहे ट्रक का बिहार जाते समय टायर फट गया और ट्रक डिवाइडर से टकरा गया, जिससे उसकी टंकी फट गई और भीषण आग लग गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कासगंज के सोरो कोतवाली क्षेत्र के गांव गंगागढ़ में लूट के बाद बुजुर्ग की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी में पुलिस ने बताया कि आरोपी ने लालच में आकर अपने दोस्त के घर लूट की वारदात को अंजाम दिया, बुजुर्ग की हत्या कर दी। 72 घंटे में पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया। मार्च को गंगागढ़ जो क्षेत्र पड़ता है थाना क्षेत्र सोरो में, वहां पे कमला देवी जो कि एक 70 वर्ष की बुजुर्ग महिला थी, उसकी हत्या की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। मौका मुआयना न बड़े ही सलीके से किया गया, वहां पे डॉग स्क्वाड और फीड यूनिट को भी न भेजा गया था।
पूरे सारे साक्ष्य और एविडेंसेस फिंगरप्रिंट इत्यादि कलेक्शन न करने के बाद ये ज्ञात न हुआ कि एक इन्हीं के घर का जो लड़का है जितेंद्र, उसका दोस्त बबलू पराशर इसमें इन्वॉल्व है। उसको पुलिस ने गिरफ्तार न किया। गिरफ्तार करने के बाद उसने अपना जुर्म जो है वो इकबाल उसने किया। साथ ही में उसने ये बताया कि घर के पीछे की तरफ से टेरेस के थ्रू ये व्यक्ति जो है घर में चढ़ गया था। उसको ये ज्ञात न हुआ था कि उसका जो मित्र है जितेंद्र और उसका जो भाई वीरेश है वो दोनों ही घर पे नहीं है। और दोनों उनमें से एक भाई जो है वो घर में रहता था, वो दिल्ली गया था अपनी पत्नी को पिकअप करने के लिए। जो और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। At GLA University, we make the way, we inspire. We are a family bound by a common bond. We lead, we innovate. The record breakers, the cheer makers, the dreamers. GLA University.